हेलो डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ भरत दादिच, टीम जूलॉजी। देखो, आपका माइनर फर्स्ट हुआ था, इसमें काफी अच्छा गया होगा, फिर भी एक दो मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मिस्टेक उसको अपन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ से अपन ने देखा बेटा, फर्स्ट है ये आपके जो सिलेबस था एनिमल किंगडम हिस्टोलॉजी एंड मार्फोलॉजी में फ्रॉग एंड कॉकरोच, जिसमें फर्स्ट देखो इसे पूछा है कॉकरोच इज, बिल्कुल सिंपल है बेटा। आपको मालूम है एनसीईआरटी की लाइनें हैं और ये सीएलसी की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि नीट का पेपर आपको मालूम है अपने ही टेस्ट सीरीज से, अपने ही दंगल से, अपने ही पेपरों से मिलता है, इसलिए ये टेंशन ही नहीं है आप लोगों के। देखो पहला इसमें अबाउट यहां से कहा 60-70 mm लॉन्ग विद द विंग्स। देखो ये लाइन ही गलत होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहां पर 30 अगर मालूम बात करूं यहां से या 53 के आसपास आप बात करते हैं, तो इतना एनसीईआरटी का डाटा आपके सामने है, तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको पहला ही गलत लग गया। फिर है इंसेक्ट विद बाइटिंग एंड चाइंग विद द माउथ पार्ट, ये बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर आपको मालूम है हम दो शब्द याद रखते हैं, एक तो डीयू और दूसरा एमबी। अब देखो यहाँ डीयू मतलब क्या हो गया, डायोसियस से स्पेशली मोनोसेक्सुअल, और ये बायोसेक्सुअल जिसको अपन बोलते हैं क्या, उभयलिंगी, या तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अलग अलग होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, और ये आया यहाँ पर कौन सा, यूरियोटेलिक, जबकि ये यूरियोटेलिक के रूप में मालूम है आपको कि ये यूरिया नहीं, यूरिक एसिड छोड़ता है। हिंदी में देखो कॉकरोच की लंबाई यहाँ पर कितनी बताई गई है, 60-70 mm लंबा बताया गया, यहाँ पर ये गलत हो गया है। दूसरा है काटने और चबाने वाले मुखांग, ये सही है, ये आपको मालूम है यूनिसेक्सुअल होता है, ये यूरियो की जगह यूरिकोटेलिक के रूप में होता है, इसलिए गलत हो गया। आंसर कौन सा चला गया, सेकंड, और मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो इन कॉकरोच, ये फिर कॉकरोच से है, द ऑर्गन फॉर मेस्टिगेशन इज, मतलब आपको मालूम है एक डायग्राम दिया हुआ है माउथ पार्ट्स का, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि जो मैंडिबल है उस मैंडिबल पे आपने देखा होगा इस प्रकार से, जो यहाँ पर एक दांतेदार संरचना के रूप में है और ये चबाने का काम करते हैं, और ये आपने देखा होगा माउथ पार्ट वाले डायग्राम में, तो मैंडिबल इसमें 4 नंबर आंसर चला जाता है, ज्यादा इसमें सोचने वाली बात ही नहीं थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, विंग्स इन कॉकरोच आर अटैच्ड टू, ये भी बहुत अच्छा है कि कॉकरोच के पंख जुड़े होते हैं, विंग्स ऑफ विंग्स इन कॉकरोच आर अटैच्ड टू, इससे जुड़े होते हैं, आपको मालूम है प्रो से नहीं होते हैं, अकेले मीजो से नहीं हो सकते, मीजो और मेटा, क्योंकि दो यहां पर आपको मालूम है एक मीजो से निकलता है एक मेटा से, इसका मतलब 4 नंबर इसका आंसर चला जाता है। बहुत इजी सिंपल सा पेपर आपको लग रहा होगा। फिर है मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश एक्सटर्नली थ्रू, ये सेक्सुअल डायमॉर्फोस की बात कर गया, नर व मादा कॉकरोच बाहर से विभेदित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकेंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है, जैसे मान लो ये मेल है और इसके 9 सेगमेंट में आपको मालूम है यहाँ से एक अन सेगमेंटेड पार्ट निकलता है जिसका नाम है एनल स्टाइल, यहाँ नाम है एनल स्टाइल, और ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, द एबसेंस ऑफ एनल स्टाइल फीमेल, बिल्कुल सही बात है, पहला ही आंसर चला गया, क्योंकि एनल सीरी है वो 10 सेगमेंट में सेगमेंट आगे स्टेप में होता है, और आपने देखा होगा ये प्रश्न आया भी था नीचे 2024 में कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों में जो 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है कौन सा, ये एक गुदा लूम के रूप में जो आप नाम देते हैं वो, फिर ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल इन फीमेल, तो इसका मतलब ये मेल में हुआ, फिर उसके बाद में ये इसका अपोजिट हो गया, ये गलत हो गया, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आएंगे नहीं, तो आंसर कौन सा हो गया कि यहाँ पर मादा में गुदासूख की एब्सेंस यहाँ नजर आती है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर चला जाता है, और मुझे उम्मीद है काफी सही तरीके से आपने किया होगा इसको। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ लेग्स फाउंड इन थोरैक्स ऑफ कॉकरोच, आप अच्छी तरह जानते हो, देखो यहाँ पर लेग्स की संख्या पूछी, ये प्रो मीजो और मेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पर ये यहाँ से और यहाँ से, इसका मतलब 3 जोड़ी कह दें, अब जोड़ी तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट ही पूछा है नंबर्स में लेग्स में, तो कितने हो गए 6, ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, 1, 2, 3 इसका डबल होगा 6, तो इसका मतलब इनमें कितने संख्या है, तो 3 इसमें आंसर चला जाता है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ से आया, फ्रॉग हैज एबिलिटी टू चेंज इन इट्स कलर टू हाइड इटसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज इज कॉल्ड, बहुत ही ईजी है कि मेंढक शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, ये गुण
एक क्या कहलाता है, छद्मावरण के रूप में जाना जाता है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ पर पहला आंसर चला जाता है। देखो इनमें समझाने वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल है और मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुए होंगे। फिर नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट इनकरेक्ट फ्रॉग, फ्रॉग के लिए कौन सा ऐसा है जो कि इनकरेक्ट है। देखो ये मांसाहारी होता है, सही बात है, असत्य पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा है कार्निवोर्स, ये सही बात है, पाइकिलोथर्मल, आपको मालूम है पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब पाइकिलोथर्मल पार्ट से याद रखना, बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ मैनकाइंड के रूप में, मनुष्य के लिए लाभदायक के रूप में है, इसके लेग्स भी काम में आते हैं और खास तौर से इकोलॉजिकल बैलेंस जो आपने फूड चेन देखी थी उससे भी था। तो इसका मतलब यहाँ कहा यूरिकोटेलिक, यहाँ होता यूरियोटेलिक, तो यहाँ पर ये ही गलत हुआ, इनकरेक्ट पूछा गया, तो 4 नंबर इसका आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द करेक्ट विच बिलोंग टू द राना टेरेना, इसने पूछा राना टेरेना से संबंधित नक्षत्रों को चयन कीजिए। देखो पहला कह रहा है देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर टू द एनवायरमेंट। दूसरा कह रहा है यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इसके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। दूसरा कह रहा है नर में वाक कोष तथा पश्चपात की प्रथम अंगुलियों पर, ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर में होता है, आंखों में उभरी हुई अनिवेशक पटल की अवस्थाएं, इसका मतलब आपके पास पहला और तीसरा मतलब फोर्थ आंसर चला जाता है। भाई आप जानते हो पाइकिलोथर्मल है, तो आपको मालूम है कि बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर टू द एनवायरमेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट सही हो गया। मेल में यहाँ पर आपको मालूम है वोकल कॉर्ड, लेकिन कंप्यूटर पेड नहीं आता, फर्स्ट डिजिटल हाइन की जगह क्या आना चाहिए था, फोर आना चाहिए था, तो इस कारण से ही गलत हुआ। फिर है आईज टू द कवर्ड बाय द नेक्टिनी मेम्ब्रेन, सही बात हुआ, इसका मतलब पहला और तीसरा यहाँ आंसर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ फोर्थ आंसर चला जाता है। नेक्स्ट आप देखते हैं द बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइड इन टू, जो फ्रॉग में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कि मेंडल का शरीर विभेदित होता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इसमें कि हेड और दूसरा कौन सा है यहाँ ट्रंक के रूप में ये स्ट्रक्चर, या तो आपको मालूम है नेक नहीं होता है, और नेक नहीं होना इसका एडेप्टेशन है, आराम से इजिली हो सकता है, तो जिसमें नेक आ गया तो वैसे भी आपको मालूम है 3 में दिख रहा है, तो यहाँ होना ही नहीं है आंसर ये, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है ये भी आपका गलत नहीं हुआ होगा। फिर नेक्स्ट आया द नंबर ऑफ फिंगर्स इन द हैंड ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग के पश्चपात में अंगुलियों की संख्या कितनी है, 5 होती है, आपको अच्छी तरह मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए आंसर 2 चला जाता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ से आया विच पॉइंट आर करेक्ट विथ रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल्स, है ना, स्केलेटल मसल्स के लिए क्या सही है। कंकालीय पेशियां, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स आया है तो वॉलेंट्री स्टेप होगी, है ना, वॉलेंट्री कंट्रोल है, तो क्या कहा देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री ऑफ द नर्व सिस्टम, इसका मतलब ये आपका फर्स्ट सुन ला गया, दे आर लोकेटेड इनर वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन, ये यहाँ पर क्या हो गया आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद में क्या, दे आर द प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन एक्शन एंड चेंज इन द बॉडी पोजीशन, ये बिल्कुल सही हो गया। दे हैव नो स्ट्रिप्ड, तो आपको मालूम है बैंड प्रेजेंट होती है फिन और मायोसिन की स्टेप में, तो ए और सी के आधार पे इसका आंसर जाता है। मुझे उम्मीद है कि उनकी क्रियाएं तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक नियंत्रण द्वारा, और दूसरा क्या है अंतरांगों के लिए, तो ये गलत हो गया। ये प्राथमिक रूप से गमन व शारीरिक मुद्राओं में परिवर्तन में सम्मिलित होता है, इसका मतलब ये सही हो गया। और उसके बाद में इनमें धारियां एबसेंट है, ये नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब ए और सी यहाँ पर आपके पास आंसर कौन सा चला जाता है, 4 नंबर आंसर चला जाता है। इसके बाद देखो यहाँ है पीसीजी, अब देखो ये आपके हिस्टोलॉजी से है, आप जानते हो कि नेफ्रॉन जो होता है ना, नेफ्रॉन में स्पेशली आपने देखा होगा बच्चों क्या कि यहाँ पर वैसे क्यूबॉइडल का रूप या घनाकार आंसर जाता है, लेकिन इसमें देखो क्यूबॉइडल में लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आ रहा है, ये तो सिंपल हो गया। अब आप देखो अगर यही अगर मान लो यहाँ ब्रश बॉर्डर टाइप का स्ट्रक्चर है, तो निश्चित है ऑब्जर्वेटिव पार्ट ज्यादा होगा, भाई 80 से 85% डीऑब्जर्व की स्ट्रक्चर बनेगी, तो ये होगा कौन सा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल, है ना, तो सिंपल एपिथेलियल फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब यहाँ 3 आंसर चला गया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेफ्रॉन में आपको मालूम है क्यूबॉइडल ही होता है, तो इसका मतलब स्क्यूमस वाला तो वैसे ही गलत हो गया। फिर यहाँ पर सीरेटेड क्यूबॉइडल ये यहाँ है नहीं, तो कौन सा आया, ये सिंपल है, ये पूरे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के रूप में आप देखते हैं, तो ये वैसे हो गया। तो स्पेशली पीसीटी में पूछा गया है तो ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल, मतलब यहाँ आंसर कौन सा चला गया, 3 नंबर आंसर चला जाता है, और मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल आपका सही हुआ होगा। फिर देखो
ये आपको मालूम है एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपको मालूम है अलग अलग जगह से सारे डायग्राम उठा लिए गए हैं। ये देखो ये वाला है तो आपको मालूम है एपिथीलियल पॉइंट से हो गया, ये एपिथीलियल का कौन सा हो गया, एक तरह से कॉलमनार हो गया, ये आपको मालूम है यूनिसेलुलर एक डायग्राम है आपको मालूम है एनसीईआरटी में, जहां यूनिसेलुलर में गॉबलेट सेल वहां दे रखा है वो हो गया, ये आपको मालूम है एक डेंस से कौन सा रेगुलर करेक्टिव टिश्यू के रूप में है, और ये है कार्डिक मसल्स है। तो पहले तो अपने को ऐसे प्रश्नों को पहचान लेना चाहिए कि कौन से पे है। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फर्स्ट में डी, डी मतलब हो गया कौन सा ये, और ये कह रहा है स्मूथ मसल, तो यहाँ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या है कॉलमनर एपिथीलियम, सही बात है ये कॉलमनर प्रकार का है। दूसरा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में तो आपको मालूम है क्यूबॉइडल है इसके कारण ये रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ है ग्रेन्डुलर एपिथीलियल, आपको मालूम है इंटेस्टाइन स्टोमक स्टेप होगी और सेक्रेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये अभी हाल ही में ही बी वाला मैंने कहा ना एक मॉडिफाइड पार्ट है कॉलमनर एपिथीलियल का, तो आपको मालूम है ये यूनिसेलुलर के रूप में गॉबलेट के रूप में है, तो इसका मतलब तीन नंबर यहाँ पर सही जा रहा है क्योंकि बी के लिए है। फिर ये कह रहा है यहाँ कोलेजन फाइबर और कॉटिलेज, ये तो डायग्राम है आपको मालूम है डेंस कनेक्टिव का है तो ये गलत हो गया, तो आंसर कौन सा चला गया आपके पास, यहाँ तीन नंबर आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है बिल्कुल एक आराम से आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है तो आंसर आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ बेटा देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से आपको मालूम है ये टिश्यू से है, इसमें एआर वाला है, तो आपको मालूम है देखो क्या है इसको देखते हैं। सिंपल एपिथीलियल इज ए कंपोज्ड ए सिंगल लेयर ऑफ द सेल, बिल्कुल सिंपल नाम ही क्यों दिया आपको मालूम है ना कि जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक टाइल्स के रूप में या फिर पेमेंट के रूप में यहाँ पर चपटी कोशिकाएं प्रेजेंट होती है और सिंगल लेयर है, और दूसरा इसका मतलब पहला तो सही है कि सरल का मतलब ही है कि यहाँ पर सिंगल लेयर होना, तो इसका मतलब ये सही है। दूसरा कह रहा है इट फंक्शन एज लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब्स, देखो एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें आप जानते हैं ना, क्योंकि देखो जो मल्टी वाले कंपाउंड है वो भी इनर लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी में आता है, आपको मालूम है ना जैसे बॉडी कैविटी में बक्कल कैविटी में कौन सा होता है कंपाउंड टाइप का होता है, फेरिंग्स में कंपाउंड टाइप का होता है, इसका मतलब ये है तो सही मतलब फंक्शन कर रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये सिंगल लेयर के रूप में है, भाई यहाँ सिंपल फॉर्म है इट इज मेड अप ऑफ द सिंगल सेल, तब जाके मान लो यहाँ पर हम यूं इस बात की रूप लेते, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, नहीं यहाँ बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, इसका मतलब आपको मालूम है ये आंसर कौन सा चला गया दो नंबर है ना, बहुत सही सटीक तरीके से थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये भी आपको मालूम है कनेक्टिव टिश्यू से, आपको मालूम है कि कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशली आपने देखा तीन रूपों से आप पढ़ सकते हैं, एक पढ़ते हैं आप कौन सा प्रॉपर के रूप में या लूज कनेक्टिव टिश्यू के रूप में, एक दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशल मेड, इसमें तो आपको मालूम है बोन है कॉटिलेज है ब्लड है ना, ब्लड एक तरह से आपको मालूम है कि फाइबर लेस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक तरह से फॉल्स है। अब आप जानते हैं ये प्रॉपर या लूज में क्या है, फिर दो प्रकार के हैं, एक तो कौन सा एरियोलर और दूसरा कौन सा है एडिपोज। अब आप जानते हो कि यहाँ पर डायग्राम 7.4A जो है वो तो इसका डायग्राम है और 7.4B इसका डायग्राम है, यहाँ डेंस में कौन सा हो गया 7.5A और रेगुलर और इनरेगुलर के रूप में 7.5B डायग्राम है, आपने अच्छी तरह एनसीईआरटी देख रखी है और नहीं तो मैंने बता ही दिए हैं आपको मालूम है। देखो क्या है एरियोलर टिश्यू इज एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है ये लूज है और लूजली अरेंजमेंट होता है इसमें, स्पेशली जो ग्राउंड सब्सटेंट होता है वो एक तरह से सेमी फ्लूइड के रूप में होता है, तो एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है कि एरियोलर उत्तक डीले संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है, इनमें कोशिका तथा तंतु और तरल आंतरिक पदार्थ के रूप में डीले व्यवस्थित व्यवस्था दर्शाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ लाइक एरियोलर टिश्यू इज द एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, इट हैज सेल एंड फाइबर लूजली अरेंज्ड इन द सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंट, मतलब ए भी सही है आर भी सही है और आर उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यहाँ पर नोट आ गया इसलिए नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ही है, इसमें फर्स्ट आंसर चला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए और बहुत आपका सही तरीके से किया होगा आपने। फिर नेक्स्ट देखो ये भी आपको मालूम है अपने ए आर वाला है, यहाँ पर क्या कहा गया कि बॉन्स से आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक चार्ट बनाया था उसमें आपको देखा होगा कि मैंने स्पेशल
टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, उसमें बोन का एग्जांपल बताया था, कोटिलेज का बताया था, ब्लड का बताया था, तो बोन इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है, और ब्लड इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो दोनों अलग है, तो आपको मालूम है एक्सप्लेनेशन की तो बात ही नहीं है, बोथ ए आर यहाँ पर क्या है, ट्रू है ना, लेकिन आर उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ए से कोई रिलेशन नहीं लगता, ए और आर दोनों सत्य है, ए आर का क्या है, आर ए का एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो हम कहेंगे बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट या ट्रू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या कहेंगे ए, इसका मतलब यहाँ पर नॉट स्टेप कौन से में आ रही है आपके पास, दो नंबर पे, आंसर कौन सा चला गया, दो। नेक्स्ट देखो यहाँ आया, इन विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेल मार्क्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का है, देखो निम्न में से कौन सा जंतु स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता दर्शाता है, आप जानते हो कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का रूप यहाँ पूछा गया कि यहाँ मेल और फीमेल है ना, दोनों जैसे आपने देखा ये है, अब मेल और फीमेल में आपको मालूम है कि स्पेशली हम एस के एलमंतीज में देखते हैं कि एस के रिस में आपने देखा मेल यहाँ पर छोटा होता है, फीमेल यहाँ बड़ी होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, और स्पेशली उससे रूप को हम देखते हैं कि निम्न में से किस जंतु को स्पष्ट लैंगिक रूपता देखी जा सकती है, अब जैसे पायला है तो इसमें तो आपको मालूम है नहीं, लेकिन देखो दूसरा कौन कौन से एग्जाम्पल थे उसमें, एस्केरिस यहाँ फाइलेरिस के रूप में फाइलेरिया, और तीसरा एनसाइक्लो यहाँ एनसाइलोस्टोमा या हुक वॉर्म जिसे बोलेंगे वो यहाँ आंसर जाता है, और इसके आधार पर आपको मालूम है दो नंबर चला गया, इसको आराम से इजीली आप देख सकते हैं, है ना, ध्यान रखिए स्पेशली वेल के कारण आप देख रहे हो वेल मार्क्ड, तो इसमें मेल और फीमेल दूर से ही स्पष्ट आपको मालूम है, जो मेल होता है वो छोटा होता है, फीमेल इसमें बड़ी होती है, इसे आइडेंटिफाई हो जाता है, और ये एग्जांपल किसका हुआ, एस के हेलमंतीज का, सुडोसिलोमेट होते हैं आपको मालूम है, एनसाइक्लोस्टोमा एस के रिस का है, लेकिन उसके साथ एग्जाम्पल आपने देखा एन साइलोस्टोमा इसका एग्जाम्पल इसमें है। नेक्स्ट देखो ये आया सिमेट्री से, आप जानते हो सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसमें आपने देखा दो प्रकार की सिमेट्री में आपने देखा कौन कौन सी, एसिमेट्री है जो मोस्टली स्पंज टाइप का होता है, दूसरा रेडियल सिमेट्री है जिसमें आपको मालूम है सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, इकाइनोड्रमेटा है, इकाइनोड्रमेटा के तो लार्वल स्टेज में बायलेटरल है, ये इंपॉर्टेंट है, और एडल्ट में कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। अब ये पूछ रहा है रेडियल सिमेट्री का क्या एक अच्छा मतलब लाभदायक रूप है, क्या लाभ है, तो आप जानते हो कि स्पेशली क्या करती है, देखो ये कह रहा है डिटेक्टिंग द पेयर इन द सराउंडिंग, आपको मालूम है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप इस सेंट्रल एक्सेस से अगर रिएक्ट करते हैं, और इस प्रकार से आपने देखा एनसीईआरटी में हाइड्रा का डायग्राम एक रेडियल सिमेट्री को शो करता है, तो बाह्य वातावरण में शिकार को पता लगाने के लिए काफी यूजफुल है, और आधार से जुड़े ये तो बेसल डिस्क होती है, गमन में आपको मालूम है टेंटिकल्स है, लैंगिक जनन है तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो सिलेंट्रेटा है वहां पॉलिप और मेडुसा दो स्टेप होती है, तो इसका मतलब आपके पास कौन सा, ये फर्स्ट आंसर चला जाता है, मुझे उम्मीद है काफी सही तरीके से किया होगा आपने। नेक्स्ट देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल शो, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है पहले ये देखो, आपको मालूम है द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्या, जर्म लेयर, लाइक देखो एक्टो और एंडो दो लेयर है, ये तो कहलाएगा क्या, डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें एक्टो मीजो और एंडो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेप है। अब यहां देखो ये एक्टो और एंडो दो प्रकार का रूप आ रहा है, तो इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर है और डिप्लोब्लास्टिक है, और तो यहां कह रहा है कि डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन, तो अब पहले तो वो देखो कौन कौन है, तो आपको मालूम है डिप्लोब्लास्टिक में जैसे मान लो मीजोगेलिया स्ट्रक्चर देखा गया, तो इसका मतलब सिलेंट्रेट्स है, टेनोफोर्स है, ये वाले एग्जाम्पल है, और एसिलोमेट होते हुए भी ट्रिप यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायोलेट्रल इसमें आता है प्लेटेलमंतीस, ये हमारे को पहले से मालूम है। अब देखो ये अगला साफ कह रहा है दी स्त्री जंतु में, तो ब्लाइंड सेक आपको मालूम है यहाँ पर मिलेगी, तो पहला है ट्यूब विद इन ट्यूब, तो ये तो एडवांस हो गया, माउथ रेनस दोनों हो सकते हैं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान ये वाला हुआ, प्रेजेंस ऑफ सिलोम, तो ये तो आपको मालूम है सिलोमेट स्ट्रक्चर के रूप, तो यहाँ पर कौन सा आंसर चला गया, तीन नंबर, अंतला जो अंतनाल शारीरिक योजना है या ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल शो करते हैं, और मुझे उम्मीद है सही गया होगा, नहीं गया तो बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इसे एक बार रिपीट करके अच्छी तरह इसको ध्यान रखें। आगे देखो फिर पूछा गया सेल एग्रीगेशन, यहाँ सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान कैन बी ऑब्जर्व इन, आप अच्छी तरह जानते हो अकॉर्डिंग टू सेल, देखो क्या किसके आधार पे है ये बॉडी
प्लान के आधार पे, किसके आधार पे, बॉडी प्लान के आधार पे। अब बॉडी प्लान के आधार पे तीन प्रकार के एनिमल, पहला सेल एग्रीगेशन कह सकते हैं, दूसरा किसके आधार पे कह सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा ब्लाइंड सेक के आधार पे, और तीसरा कौन सा है ब्लाइंड सेक के अलावा, यहाँ हम कहेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखो सेल एग्रीगेशन मतलब हुआ लूजली अरेंजमेंट है, सेल ही सेल है, बॉडी टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब स्पंज इसमें एग्जाम्पल आता है। और स्पंज का एग्जाम्पल अब देखते हैं कौन सा है, पहला ही है साइफा, इसका मतलब फर्स्ट आंसर चला जाता है ओबिलिया, नहीं हो सकता ये बाकी नहीं हो सकते, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें फर्स्ट आंसर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट यहां से आया, ये एनसीईआरटी का आपको मालूम है एक कोडेट का डायग्राम है, और इसमें आपको मालूम है सबसे पहले इस टाइप के जो डायग्राम होते हैं तो आपको मालूम है ए में कौन सा हो गया, ये नर्व कॉर्ड के रूप में है, और ये आपके पास कौन सा है नोटो कॉर्ड के रूप में है, ये आपके पास गिल सेल्स प्रेजेंट है, और ये आपके पास पोस्ट एनल टेल है। तो पहले तो वो देखते हैं कि किस रूप से क्या कहा गया है। देखो ये कह रहा है बी क्या है, प्रेजेंट पेयर्ड फेरिंजियल गिल सेल्स एंड दैट प्रेजेंट इन जनरली इन एम्ब्रायनिक स्टेज, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, बी बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब युग्मित ग्रेशनिक लॉम दरारें प्रदर्शित करती है जो कि भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है, एक सही है। फिर दूसरा कह रहा है सी, सी मतलब कौन सा हो गया ये वाला, ये तो आपको मालूम है एकल और खोखली, ये खोखली नहीं होती है ये सॉलिड होती है, इस कारण से ये गलत है, कहा ना इसमें रिप्रेजेंट सिंगल होलो, जबकि ये तो नर्व का होता इसलिए ये यहां पर गलत हो गया। फिर क्या है कि पूर्व गुदापूंछ जबकि पश्चे है, इसका मतलब पोस्ट एनल टेल लानी चाहिए, यहाँ प्री एनल टेल कर दिया इसलिए ये गलत है। फिर उसके बाद में क्या कहा, मीजोडर्म से उत्पन्न होने वाले नोटोकॉर्ड को प्रदर्शित करता है कौन ए, जबकि ये तो नर्व कॉर्ड है, ये तो एक्टोडर्मल होता है इसलिए ये भी गलत है, इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया, फर्स्ट आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है बहुत एक सिस्टमेटिक है, थोड़ा सा आपने नाम देखा था, थोड़ा थ्योरी के हिसाब से इसको एड करके पूछ लिया गया। फिर नेक्स्ट देखो यहां से मेंटल केविटी इन मोलस्क इज प्रेजेंट बिटवीन, आप जानते हैं कि जैसे मान लो एक मोलस्क का डायग्राम देखते हैं, यहां पर आपको मालूम है केविटी है, विशल हेम पे आपको मालूम है, और यहाँ पर क्या है मेंटल केविटी, तो ये किसके बीच में जुड़ी है, और यहाँ पर क्या है फुट प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ आपको मालूम है सिरर सिर पर यहाँ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और माउथ में आपको मालूम है रेडुला जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में होता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल आपको मालूम है यहाँ पर है। अब देखो इस मेंटल केविटी में क्या प्रेजेंट होता है, गिल फीदर्स प्रेजेंट होता है, जो एनसीईआरटी की लाइन आपको मालूम है कि ये रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प करने का काम करती है। अब ये पूछ रहा है किसके बीच में, तो विश्रल हम और मेंटल के बीच में प्रेजेंट होती है, तो आपको मालूम है पहला ही आंसर चला गया कि ये एक तरह से अंतरंग कुंडल तथा परवार के रूप में या मध्य में प्रेजेंट होती है, तो बिटवीन कहाँ होगा, विश्रल हम एंड मेंटल, वहां पर क्या होगी मेंटल केविटी प्रेजेंट होगी, और मेंटल केविटी पूछा है यहाँ पर, और इसमें ही क्या प्रेजेंट है गिल फीदर्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी प्लस एक्सक्रीटरी का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपने सही किया होगा, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, एनसीईआरटी से ही है टोटल। उसके बाद देखो यहां से पूछा गया नीडोब्लास्ट इनमें से किसका एक अन्य नाम है, नीडोसाइट्स आर नीडोब्लास्ट, इसका मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर दिख रहा है कि नीडोसाइट किसका अन्य नाम है, तो नीडोब्लास्ट का है। देखो यहाँ डंस कैप्सूल, ये तो मालूम है स्टिंग कैप्सूल कोई है ही नहीं, यहाँ नेमेटोसिस्ट, ये अलग ही बात होगी नेमेटोसिस्ट, और उसके बाद क्या हो गया यहाँ कोलोब्लास्ट सेल्स, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब आंसर नहीं दिख रहा है, यहाँ चार नंबर सीधा सीधा, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। अब देखो यहां से कहा कि पॉलिप इज, तो आप जानते हो कि ये एसेक्सुअल के रूप में है, एंड मेडुसा इज द सेक्सुअल पार्ट होता है, तो यहां पर देखो सेक्सुअल है और दूसरा कैसा होता है, अब पॉलिप तो क्या होता है आपको मालूम है एक जगह स्थिर रहता है, तो अलैंगिक होता है, ता स्थावर होता है, दूसरा कौन सा होता है मेडुसा जो कि एक तरह से क्या है गतिशील है और स्पेशली लैंगिक जनन करता है, तो दो नंबर आंसर चला गया कि एसेक्सुअल एंड मोटाइल के रूप में हो गया, और सेक्सुअल एंड मोटाइल के रूप में आंसर चला जाता है। देखो ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ मोटाइल के कारण हो गया, दूसरा ये गलत क्यों हुआ, तो सेक्सुअल के कारण हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया ये है, लेकिन यहाँ देखो फिर एसेक्सुअल की स्टेप आ गई जबकि सेक्सुअल आना चाहिए, तो तीनों में आपको मालूम है दो नंबर की फिक्स में आंसर चला जाता है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही गया होगा। फिर देखो मेटामेरिक सेगमेंट बॉडी इज ए फीचर ऑफ, आप जानते हैं कि जो मेटामेरिक सेगमेंट जैसे इंटरनली और एक्सटर्नली यहाँ पर अगर मान लो ये इस पर क्या है सेगमेंट है, और मेटामेरिक सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ आपको मालूम है एने लीडा से स्टार्ट हुआ, अब एने लीडा में है आर्थोपोडा में है मोलस्का में है, आपको मालूम है उस पैराग्राफ में छठी लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है अखंडित शरीर, इसका मतलब मोलस्का नहीं आएगा,
काइनोट्रेमेटा नहीं आएगा, इनवर्टिब्रेट्स आपको मालूम है यहाँ पर मोस्टली इस प्रकार की स्टेप में है, दो आपके सामने। अब देखो क्या कह रहा है, प्लेटियन मंतीस पहला ही गलत हो गया, कोडेटा है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, कोडेटा, इसका मतलब ये तो है, मोलस्का आ गया, फिर मोलस्का आ गया, इसका मतलब आपके पास कौन सा आंसर आया, दूसरा। और आपने देखा होगा इस टाइप का प्रश्न 2021 में 19 में नीट में भी आया हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना कि विखंडित खंडी भवन युक्त शरीर किस में होगा, एनेलिड्स में होगा, आर्थ्रोपोड्स में होगा, कॉर्डेट्स में होगा। मोलस्का अखंडित होने से गलत हो गया, प्लेटियन मंतीस आपको मालूम है यहाँ स्टार्ट ही नहीं हुआ था, इसलिए ये गलत है। तो हाँ, आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, दो नंबर आंसर चला जाता है, ये मोलस्का के कारण गलत हुआ, ये गलत हुआ और ये इसके कारण गलत है, इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया, दो नंबर चला जाता है। नेक्स्ट, एनिमल विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सराउंडिंग टू द मेंटेन बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड एज। देखो क्या कह रहा है, वह जंतु जो शरीर का ताप नियम है करने हेतु बाह्य वातावरण पर निर्भर नहीं रहता है, क्या कहलाता है। अब देखो, एक्टोथर्मल, दूसरा कह रहा है कोल्ड ब्लडेड, तीसरा पाइक्लोथर्मल, तो तीन तो एक जैसे ही हो गए, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब तीन नंबर आंसर चला जाता है भाई। इसका असमतापी कह दो, शीतधारी कह दो यहाँ पर, या कोल्ड ब्लडेड, और यहाँ पर क्या कहेंगे, एक तरह से एक्टोथर्मल के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ पर बचा कौन सा, तीन नंबर, कि वो जंतु जो शरीर का ताप नियमन करने हेतु बाह्य वातावरण पर निर्भर करते हैं, इसका मतलब होमियोस्टेसिस के स्टेप में शो करते हैं। नेक्स्ट देखो, मोस्ट एब्रेट टिश्यू इन आवर बॉडीज, हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो ऊतक होता है वो कौन सा, एनसीआरटी की लाइन है, कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो क्या कह रहा है, ये आपको मालूम है डिप्लोब्लास्टिक, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक्टो प्लस एंडो के बीच में मेसोगैलियल स्ट्रक्चर में कौन, निडेरियंस है और टिनोफोर्स के रूप में देखा गया। यहाँ पर स्पंज भी एक स्टेप होगी, तो यहाँ आपको मालूम है ना कि एसिलोमेट है, उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बायोलेट्रल सिमेट्री है, तो कौन सा आंसर गया यहाँ, प्लेटी हेलमंथी, चपटे गर्मी या फ्लैट वॉर्म, तीन नंबर आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है बहुत सही तरीके से किया होगा। अब देखो ये कितना ईजी है, वाटर कैनाल सिस्टम जो है, वाटर कैनाल नॉट वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर होती तो फिर दूसरा आंसर चला जाता। अब देखो यहाँ से आप जानते हैं वाटर कैनाल सिस्टम किसका करेक्टर है, स्पंज का, और स्पंज मतलब पोरीफेरा का, चार नंबर आंसर चला जाता है। और इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, इसमें भी वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, वैसे भी मालूम चल रहा था बिल्कुल ठीक ही है, इससे आधार पर आपके आंसर चार चला जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से मैच वाला है, निश्चित है आपने देखा होगा इस बार करीब 21 प्रश्न ऐसे थे जो कि जूलॉजी में मैच वाले थे, तो और ये भी किस्मत अच्छे थे कि एक से ही आंसर मालूम चल रहा था, पेपर लॉजिकल था, है ना सारा। देखो जितने ज्यादा मैच वाले आए इसका मतलब पूरी जूलॉजी को कवर किया उसने, लेकिन वहां बस हिंट थोड़ा सा अच्छा मिल गया तुम्हें। अब देखो, सबसे पहले ब्रेन कोरल, आप जानते हो जैसे कि मैं ब्रेन से संबंधित कह दूं मैन, मैन मतलब पागल, और रीना यहाँ से अपन एक ट्रिक के रूप में याद रखें, तो इसका मतलब ए में थर्ड, और आप जानते हो थर्ड में ए केवल एक में ही नजर आ रहा है, मिल गया। अब देखो यहाँ पूरा मिलाते हैं अपन, तो अब देखो गौर गौरनिया क्या हुआ, सी फैन, इसमें डाल गया डी, लोली को क्या है स्किट, तो इसका मतलब सी आ गया, मैंड्रीना कौन सा हो गया ब्रेन कॉलर, एंटीडॉन कौन सा हो गया समुद्री लिली के रूप में या सी लिली के रूप में जाना जाता है, इसका मतलब बी, तो आंसर कौन सा गया सी, इससे पहले डी फिर सी फिर ए और बी, आंसर दो चला जाता है, मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद नेक्स्ट इसे पूछा गया कि बिना अपवाद के, है ना, मैमल्स का करेक्टर है, द मैमेलियन फीचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन बिना अपवाद के कौन सा है। देखो शरीर पे रोम प्रेजेंट होना हो सकता है, पश पोस्ट एनल टेस्ट है ईयर पे ना, लेकिन आपको मालूम है कि मेमरी ग्लैंड के कारण ही मैमेलिया स्टेप है, एआर भी बन सकता है, आपको मालूम है, चार नंबर आंसर चला जाता है, मुझे उम्मीद है इसके गलत होने के चांस भी नहीं थे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ गिल्स फाउंड इन अस्थितिस, आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे मान लो ये एक होमोसाइकल पार्ट होता है, टर्मिनल माउथ है, यहाँ गिल्स की आपको मालूम है चार जोड़ी है, ऑपरक्यूलम से ढके होते हैं, ये तो किसके करेक्टर हो गए, स्पेशली बोनी फिशेज की, और इसने बोनी फिशेज का पूछा है, जबकि कोटिलेज में क्या होगा माउथ यहाँ अदर पार्ट पे होगा, इसमें प्लेकोइड स्केल से टीथ मॉडिफाई होंगे प्लेकोइड स्केल से, और इसकी टेल होगी वो एक तरह से इट्रो सर्कल होगी, डॉग फिश आप जानते हो, इसमें एयर ब्लेडर बताया गया, इसमें एयर ब्लेडर नहीं होता इसलिए इसको ताजिंदगी दौड़ना पड़ता है, यह आपको मालूम है जर्नल है, तो फोर पेयर इसमें है, जबकि इसमें कितने होते हैं
पांच से सात पेयर होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है लेकिन मालूम होना चाहिए, अधिक होते हैं, इसका मतलब इससे अधिक होते हैं तो एकदम यही है, और इसमें चार जोड़ी पेयर, तो मुझे उम्मीद है कि ये चार जोड़ी के आधार पर आपने सही किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो आंसर चला जाता है, ये चार जोड़ी यहाँ पर परसेंट है। नेक्स्ट कौन सा है, प्लेस पर आर फाउंड, वेरी वेरी मोस्ट है, आप अच्छी तरह जानते हो, अभी थोड़ा सा ही जैसे मैंने बताया था कि माउथ यहाँ पर कहाँ है, अदर साइड पे प्रेजेंट है, प्लेकोइड यहाँ स्केल्स बताई थी, प्लस यहाँ आपको मालूम है कि ये हिट्रो सर्कल के रूप में इसका स्ट्रक्चर अपन हिट्रो सर्कल के रूप में मैं देखते हैं। अब देखो यहाँ ये मान लो पेट्रो और ये पेल्विक पार्ट है, पेल्विक पर यहाँ आपको मालूम है कि मेल में क्या होते हैं, क्लेस पर प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पेशली एक कपल पेट के रूप में या मैथुनम के रूप में जाने जाते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, क्लेस पर प्रेजेंट कहाँ होंगे, तो सबसे पहले कॉटिलेज फिश देखो, तो यहाँ ऑस्टिक्टिस क्रॉस कर दो, फिर ऑस्टिक्टिस क्रॉस कर दो बचे हुए हैं। अब किस पे बताया मैंने, पेल्विक फिन पे, तो देखो यहाँ तो एनल फिन है और यहाँ है पेल्विक फिन, तो इसका मतलब तीन नंबर आंसर चल गया, मेल कौन सा, कॉन्डिक्टिस फिश विद द पेल्विक फिन, यहाँ पर आंसर तीन चला जाता है। बहुत ही इजी और बहुत लॉजिकल है, ध्यान रखे, इसी कारण से ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, और उसके अलावा आपने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ वी पेरस, मोस्टली वी पेरस होते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया कि जो करेक्टर पूछा गया कि बिलो द मेंशन द सम ऑफ द एम्फीबियंस फीचर्स एक्सेप्ट, देखो डाइकोंडाइल होता है, आपको मालूम है एम्फीबिया प्लस मेमेलिया दोनों ही आपको मालूम है डाइकोंडाइल होते हैं, जबकि पीसीज रेप्टिलिया है ना, ये जो आपको मालूम है कौन सा, एवी, ये मोनोकोंडाइल होते हैं। अब डाइकोंडाइल है, इसका मतलब ये तो सही है, सेपरेट ओपनिंग फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव, ये गलत हो गया क्योंकि ये है आपको मालूम है क्लोएका पार्ट प्रेजेंट होता है, उसमें तो एक में ही जगह खुलते हैं, और ये पूछ रहा है कि इनमें से किसके अतिरिक्त सभी उभयचर के, तो ये गुण है, तवचीय श्वसन होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, रेनल पोर्टल सिस्टम, ये आपको मालूम है प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब आपके पास आहार नाल तथा जनन नाल प्रत्यक्ष छिद्र में खुलते हैं, नहीं ये एक में क्लोएकल पार्ट में आवस्कर द्वार में खुलते हैं, इस कारण से आंसर दो चला जाता है। नेक्स्ट देखो यहां पर आया पैकिलो थर्मल एनिमलीज, अब देखो पार पी ए आर पार मतलब पीसीज एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये कैसे होते हैं, पी फॉर यहां पर क्या कहा स्पेशली यहां पैकिलो थर्मल के रूप में। अब देखो इसमें कौन कौन आ गए, इसमें एवीज आने के कारण गलत हो गया, इसमें आपको मालूम है जैसे मान लो एवीज आने के कारण गलत हो गया, इसमें भी एवीज है, इसका मतलब एवीज और मैमल्स ये तो यहाँ पार नहीं होते, ये तो होम्योथर्मल होते हैं, तो आंसर ही तुम्हारे पास नॉन कॉर्डेट पीसीज और एम्फीबियंस दो चला जाता है, क्योंकि वैसे भी आपको मालूम है मेमेलिया एवीज नहीं हो सकता है, यहाँ पर आपको मालूम है कौन सा फिर एवीज हो गया, फिर यहाँ पर एवीज हो गया, पैकलोथर्मल में बच्चा तुम्हारे पास एक ही था, लॉजिकल है, थोड़ा सा ध्यान देने वाले, इसमें दो नंबर आंसर चला जाता है, मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर आपको मालूम है 10 आपको प्रश्न करने होते हैं, इनमें से आपको 5 छोड़ने होते हैं। देखो यहां से साइक्लोस्टॉर्म ये किसके कारण नाम रखा गया, ये साइक्लोस्टॉर्म जो होते हैं आर नेम्ड, अब आपको मालूम है कि जैसे मान लो बोनीफिसेस, अब इस बोनीफिसेस पर एक्टोपैरासाइट फॉर्म में यहां पर क्या है आप जानते हैं पेट्रामाइजोन, और साइक्लोस्टॉर्म आपको मालूम है कि एमेगथा जो होते हैं वो जोलेस होते हैं, और जो लेस है तो इसका मतलब इसकी क्लास कौन सी है साइक्लोस्टॉर्म, क्यों नाम रखा क्योंकि इसका माउथ सर्कल टाइप के रूप में प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर राउंडेड, यहाँ पर क्या नाम है राउंडेड, यहाँ स्प्रिल माउथ के रूप में गोल चूसक है तो अनुकूलित मुख होता है, इसीलिए इनका नाम साइक्लोस्टॉर्म रखा गया, तीन नंबर आंसर चला जाता है, आप जानते हैं बहुत ही सही है। उसके बाद देखो ट्रू मेटाजेनेसिस, ये आपको मालूम है हमारे सिलेंटेटा में स्पेशल एक शब्द है जिसे अपन बोलते हैं एक तरह से पीढ़ी एकांतरण, अब देखो क्या होता है, क्या होगा आपको मालूम है यहाँ पॉलिप स्ट्रक्चर होता है, एक मेडूसा स्ट्रक्चर होता है, अब देखो यहाँ मेडूसा और पॉलिप, ये पॉलिप है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन बनाता क्या है इस पे सेक्सुअली करेक्टर, यहां से मेडूसा क्या है सेक्सुअल है, लेकिन इससे क्या बनता है पॉलिप, और ये पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है, और इसी प्रकार की कंडीशन को क्या बोलता है मेटाजेनेसिस, तो बहुत ही एनसीईआरटी लाइन है। अब देखो क्या कह रहा है, क्या मेडूसा एलेगिंग, अब यह आपके पास गलत हुआ, पॉलिप लैंगिक रूप से मेडूसा का निर्माण करता है तथा मेडूसा लैंगिक रूप से पॉलिप का निर्माण करता है, क्या कहा
when the polyp produced medusa asexually and medusa produced polyp sexually, आपको मालूम है दो नंबर आंसर चला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस साल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखे, जो कि 4 मई को पेपर होगा उसमें अच्छी तरह जानते हो कि अगली बार ये प्रश्न ऐसा का ऐसा आपको मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखो, यहां से आपको मालूम है इन इकाइनोडर्मेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट एंड माउथ प्रेजेंट ऑन, आपको मालूम है वेंट्रल साइड, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, एंड एनस प्रेजेंट ऑन कहां जाएगा भाई, वेंट्रल है तो दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, डॉर्सल, तो यहां पर अदर और प्रस्ट वाली स्ट्रक्चर के रूप में है, तो वेंट्रल माउथ हो गया, डॉर्सल यहां पर ये हो गया, डॉर्सल डॉर्सल नहीं हो सकता, डॉर्सल वेंट्रल नहीं हो सकता, वेंट्रल वेंट्रल नहीं हो सकता, इसका मतलब फर्स्ट आंसर चला जाता है कि यहां पर तो माउथ नीचे किधर अदर की तरफ और एनस हमेशा ऊपर प्रस्ट की तरफ प्रेजेंट होती है, फर्स्ट आंसर चला जाता है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट देखो, इन सेफेलोकॉर्ड्स द नोटोकॉर्ड इज, सेफेलोकॉर्ड्स में नोटोकॉर्ड, आप जानते हो कि हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, प्रोटोकॉर्डेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक किया गया किसमें आप जानते हैं यहाँ यूरोकॉर्डेटा, और दूसरा किसमें किया सेफेलोकॉर्डेटा। अब आप देखो यूरोकॉर्डेटा का मतलब क्या है, टेल, और लार्वल स्टेज में ही आपको मालूम है नोटोकॉर्ड इसकी टेल में प्रेजेंट होता है, तो इसी कारण से यूरोकॉर्डेट। सेफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, इसके थ्रू आउट लाइफ हेड टू कहां तक, टेल तक इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो देखो इसने किसका पूछा है, सेफेलोकॉर्डेट मतलब ये वाली लाइन पूछी है, तो कहा कि लार्वा अवस्था में पाए जाने वाली वेस्ट में बनी रहती है, इसका मतलब आपके पास ये आंसर फाउंड इन द लार्वल स्टेज एंड प्रेजेंट इन द एडल्ट, ये कह रहा है फाउंड इन लार्वल एंड रिप्लेस वर्टिबल कॉलम, ऐसा हो ही नहीं सकता, फाउंड इन लार्वल स्टेज ये तो यूरोकॉर्डेट का हो गया, फाउंड इन लार्वल स्टेज एंड रिप्लेस बाय द स्पाइनल कॉर्ड, इसका मतलब नहीं है, तो आंसर कौन सा चला गया, 2 नंबर आंसर चला जाता है, और मुझे उम्मीद है सही गया होगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ मैरीन फिशेस, मैरीन फिशेस की पहचान कौन कौन सी, अब देखो लेबिया आ गया, आपको मालूम है फ्रेश वाटर है, उसके अलावा आप जानते हैं कटला आ गया, ये भी है, इसके बाद क्लेरियस आ गया, ये सब फ्रेश वाटर प्लस मैराइन दोनों है, ये पूछ रहा है केवल मैराइन, तो देखो एक्सोसिटस जिसे फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस ये भी मैराइन है, स्क्लेरोडॉन कुत्ता मछली, और ट्राइगोन, इसका मतलब आंसर 2 चला जाता है, थोड़ा सा सोचने वाला था, एक से भी आंसर मिलता है, क्योंकि देखो इसमें क्या कौन सा, यहाँ पर ये वाला पार्ट क्लेरियस इस कारण से गलत है क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, लेबियो फ्रेश वाटर है, इसके अलावा कटला, तो ये 3 तो वैसे ही गलत हो गए, तो बच्चे तुम्हारे पास एक ऑप्शन था, है ना, इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ से है ये कॉकरोच से है, आपको मालूम है कि इसमें स्पेशली स्पेकल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी पार्ट में हेल्प कर रहे हैं, तो कॉकरोच में स्पेकल्स छोटे छिद्र होते हैं जो शरीर के किस भाग पे, आपको मालूम है लेटरल स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हहैं, लेटरली साइड ये प्रेजेंट है, इसका 3 नंबर आंसर चला जाता है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, एनसीईआरटी की लाइन है। उसके बाद देखो दिया हुआ डायग्राम है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम, आपको मालूम है इसे अपन साइजोसिलोमेट या फिर ट्रूसिलोमेट के नाम से जानते हैं, आपको मालूम है एनेलिडा आर्थोपोडा है ना मोलस्का इनमें होती है, और ऊपर अगर मान लो ये एंट्रो की स्टेप में आती तो ये और भी स्ट्रक्चर के रूप में जान लेती, जैसे इकाइनोडर्मेटा है, एमिकोडेटा है ना, और ये कौन सी है स्यूडोसिलोमेट, और स्यूडोसिलोमेट में पाउच यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया एस के हेलमंथीस का हो गया, और ये कौन सा है आपको मालूम है ए सिलोमेट। अब देखो क्या कह रहा है, ए क्या है, अब ए यहां पर आपको मालूम है स्पेशली एसिलोमेट है नहीं, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, एनेलिड्स हो सकता है, बी एस्केरमंथीस, सी आर्थोपोडा, ये इस कारण से गलत हो गया, फिर ए आर्थोपोडा बिल्कुल सही है, बी एस्केरमंथीस सही है, और ए प्लेटेरमंथीस ये सही है, इसका मतलब 3 नंबर आंसर गया। फिर भी नीचे वाला देखते हैं, सिलोमेट बिल्कुल सही है, एसिलोमेट ये गलत हो गया इस कारण से, तो इसका मतलब आंसर कौन सा चला गया, 3 नंबर चला जाता है, बहुत ही ईजी था, डायग्राम से थोड़ा मेज करवा के आपको आना चाहिए था। उसके बाद देखो, द टिश्यू विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, आपको मालूम है कि जो कंपाउंड टिश्यू है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, यहाँ पर आपको मालूम है क्यूबोइडल पाए जाते हैं, यहाँ कई प्रकार के पियर सेप वाली सेल्स होती है, है ना, ये मल्टीलेयर्ड के रूप में प्रेजेंट है, और ऊपर आपको मालूम है एक फ्लेटेड सेल्स के रूप में प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है मल्टीलेयर्ड वाले, और आपको मालूम है इनका काम लिखा हुआ है क्या कि सेक्रेशन और एब्जॉर्ब होता है, वो तो लिमिट हो जाता है, लिमिटेड फंक्शन है, लेकिन मेन क्या है,
ये स्पेशली मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस को पूरा मतलब उसमें सुरक्षा करते हैं। तो यांत्रिक व रासायनिक तनाव से सुरक्षा करने वाला कौन सा है? संयुक्त उपकला उत्तक है, जो कि एक से अधिक लेयर में आता है, तो इसे स्ट्रेटिफाइड का रूप भी दे दिया जाता है। थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए था। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट। आप जानते हैं ये वाले प्रश्न भी काफी आजकल नीट में आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न और देखा होगा। पेपर की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? हर टाइप का प्रश्न आपको यहाँ मिल रहा है जो नीट में आता है। एआर वाला मिलता है, स्टेटमेंट वाला, मल्टीपल वाला मिलता है, मैच वाला मिलता है, सारे टाइप के, इवन की ब्लैंक वाला भी आपको, ब्लैंक्स वाला भी, हर टाइप के प्रश्न यहाँ मिल रहे हैं। अब देखो कौन सा कथन यहाँ पर सही रूप से जाना जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो फर्स्ट, ऑल मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम या एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन में ही आपको मालूम है ये लाइन, पहले दूसरे तीसरे मतलब पहला पैराग्राफ है उसमें ही लिखा हुआ है कि प्राणी जगत के सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कहा? वर्गीकरण के आधार में देहगुहा की प्रगति की गई, तो इसका मतलब नेचर ऑफ सिलोम, ए सिलोमेट, सुडो सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट या यू सिलोमेट के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। बिल्कुल सही बात। देयर इज नो नीड फॉर क्लासिफिकेशन। आप अच्छी तरह जानते हो कितने भी स्पीशीज को खोज कर ले। ये दूसरा पैराग्राफ आपने देखा इंट्रोडक्शन से नीचे कि यहाँ बहुत सी जातियां जिसमें आपको मालूम है 10 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज यहाँ खोज ली गई है, फिर भी आपको मालूम है वर्गीकरण की आवश्यकता। ये कह रहा है कि यहाँ पर अब वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ए और बी दोनों सही है और सी गलत है। तो इसका मतलब यहाँ आप देखो बी सही है, केवल नहीं ए सही है, नहीं केवल ए भी सही है और सी यहाँ पर क्या है गलत है। इसका मतलब दो नंबर आंसर आ जाता है क्या, ओनली ए एंड बी इज द करेक्ट एंड सी इज द इनकरेक्ट। तो आपको मालूम है अच्छा प्रश्न था। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से कौन सा यहाँ पर नहीं है? अब देखो लाइफ प्राय उपकला उत्तक का आधार बनाने वाला भाग होता है, क्योंकि सारी लाइफ आपको मालूम है इसी पे डिपेंड है, तो यहाँ आपको मालूम है न्यूट्रिशन के आधार पे भी। फिर दूसरा कह रहा है लाइक लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको मालूम है ना डायग्राम अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेज सेल है, मास सेल है ना, ये गैलोजन है, तो आपको मालूम ही है। तो दीज हैव फाइब्रोब्लास्ट, यस, मैक्रोफेज सेल, ये मैक्रोफेज, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल, मास सेल, इसका मतलब ये भी सही है। फिर कह रहा है फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज इन कॉम्पैक्ट, इसका मतलब डेंस की बात कर रहा है कि रेगुलर पैटर्न में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। सेल्स ऑफ द टिश्यू कैन बी स्टोर ऑफ द फैट, दूसरा एरियोलर टिश्यू के रूप में स्टोर फैट के रूप में, दूसरा डायग्राम आपने देखा होगा इस टाइप से इसको समझाया गया था। यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ फैट स्टोरिंग के रूप में जाना जाता है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें संबंधित नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास थर्ड नंबर यहाँ पर संबंधित नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट के स्टेप में व्यवस्थित पूछ लिया गया है, ओरिएंटेशन के आधार पे पूछ लिया गया है, ओरिएंटेशन के आधार पे आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है ना मोर एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर अलग तो होना चाहिए कुछ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट अगर अरेंज होंगे तो फाइबर्स अरेंज होंगे तो आपको रेगुलर और इनरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। अगर रेगुलर आते हैं तो आपको मालूम है टेंडन और लिगामेंट, टेंडन आता है तो व्हाइट आता है, तो ये क्या करता है स्पेशली यहाँ बोन्स से या स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ेगा, ये तो टेंडन है, बोन से बोन्स को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है, और ये जो रेगुलर नहीं होते हैं इनरेगुलर होते हैं वो एक तरह से कवरिंग रूप से जाने जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू कवर्ड बाय सरफेस ऑफ बकल केविच एंड फेरिंग्स। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था मैंने कि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है वो ए आर में एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा था ना कि वो सभी लाइनिंग प्रकार की पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो ये मोस्ट सरफेस ऑफ द बकल केविटी एंड फेरिंग्स एनसीईआरटी का लाइन है, एग्जाम्पल है, आपको मालूम है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो अगर ये आता कि सिंपल स्क्योमस एपिथेलियल किसमें प्रेजेंट है, तो आप जानते हो 101 नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ की पहले लाइन में लिखा हुआ है कि सल्की उपकला उत्तक एक चपटी और ये कहां ब्लड वेसल्स प्लस किसमें एयर सैक ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होता है, ये तो हो गया। सिंपल कोलमनर तो आपको मालूम है स्टोमक प्लस इंटेस्टाइन, तो इसका मतलब ये भी आपको मालूम है नहीं हो सकता। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि यूरोथेलियम है वहां बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, तो बच्चा कौन सा कंपाउंड एपिथेलियल, तो आंसर कौन सा चला गया 4 नंबर आंसर चला जाता है। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया लाइक ग्रेंडुलर एपिथेलियल इज स्पेशलाइज्ड ऑफ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही आप पेज टर्न करते हैं जहां ग्रंथि बनी हुई है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, उस डायग्राम के पास में एक पैराग्राफ है तो वहां लिखा हुआ है कि क्यूबोइडल प्लस कॉलमनर, यहां से अगर मॉडिफाइड स्टेप देखा गया तो ग्रेंडुलर स्टेप में उठाया गया, तो ग्रेंडुलर एपिथेलियल स्पेशलाइज्ड ऑफ
कॉलमनर एपिथेलियल भी और क्यूबॉइडल भी, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर जाएंगे यहाँ से, है ना, दोनों का ही मॉडिफिकेशन है, एनसीईआरटी की लाइन है, आप ध्यान रखना चार नंबर आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, आपको मालूम है ये बोन्स से और कॉटिलेज से दो जो डायग्राम है लास्ट कनेक्टेड टिश्यू में दो स्पेशल में, तो आपको मालूम है ये एक तरह से कॉटिलेज का डायग्राम है, तो कॉटिलेज को क्या बोलेंगे। अब देखो ये तो कौन है, यहाँ कॉलेज एनसीईआरटी का डायग्राम है, नाम तुम्हें याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और दूसरा ये कौन सा है, यहाँ पर कॉन्ड्रियोसाइट्स, क्या नाम है इनका, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब हिंदी में आपको मालूम है यहाँ कैलोजन को कैलोजन के रूप में आप जानते हैं रेशे, और यहाँ पर क्या लिखा गया है एक तरह से उपास्थि अणु के रूप में, तो आप जानते हैं कि इसमें आंसर पहला ही चला जाता है कैलोजन में कॉन्ड्रियोसाइट्स के रूप में आंसर, तो कौन सा चला गया फर्स्ट आंसर यहाँ पर चला जाता है, फर्स्ट वाला पहला ही आंसर है। देखो नेक्स्ट, इन स्पेड ऑफ लिवर फ्लूक है, इसमें भी आपको मालूम ऐसा नहीं है, राउंड वॉर्म है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, एंडोपेरासाइट फॉर्म में है, गोल करनी है ना, ये तो आपको मालूम है एक तरह से प्रोटोजोआ की स्टेप आ गई, तो यहाँ एलिमेंट्री कैनाल की स्टेप ही नहीं है, वो तो एसेलुलर स्टेप में है। नेक्स्ट देखो, फाइबर फ्री मैट्रिक्स इन फाउड, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ब्लड एक ऐसा है जो कि करेक्टेड टिश्यू है, लेकिन उसमें रक्त में स्पेशली क्या है ये फाइबर्स नहीं होते हैं, तो ये बोल रहा है फाइबर फ्री मैट्रिक्स फाउड इन ब्लड, तो फर्स्ट। मुझे उम्मीद है बच्चा काफी अच्छा पेपर गया होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और अच्छे तरीके से आपने किया होगा, और इसमें कोई इतना टफ नहीं था, ये स्टार्टिंग है, ध्यान रखें। और इन पेपरों को अगर आप मान लो सॉल्व नहीं कर रहे हो तो निश्चित मान के चलो पढ़ाई कम कर रहे हो, और अगर मान लो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है तो जल्दी से जल्दी आप बैच ज्वाइन करें, ठीक है ना, हर सोमवार और गुरुवार को बैच बन रहा है, शानदार आपको मालूम है रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत, क्योंकि घर पर इतनी पढ़ाई अगर मान लो आपको लगता हो नहीं है तो फट से आप ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, और हम आपके साथ ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे उम्मीद है काफी अच्छा पेपर गया होगा, कुछ जहां सिली मिस्टेक हुई है वो आपने कवर की होगी, है ना, और सीएलसी आपके साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि तो आपको मालूम है सीएलसी का रिजल्ट भी बताने की जरूरत नहीं है, और किस रूप से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, एडमिशन बिल्कुल कंप्लीट से होने जा रहे हैं, फुल है, आप जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है, जय जय सीएलसी, विजय सीएलसी, थैंक यू।